Assalamualaikum dear students, my name is Hafsa Bhatt. I welcome you all on the platform of Digital Academics provided by Moonlight International Publishers. Today we are going to start our unit number 3 of grade 5 science, flowers and seeds. तो students, आपको flower के जो structure है उसके बारे में पता चलेगा, pollination क्या होती है और इसकी कौन कौन सी types होती हैं pollination की, इसके बारे में पता चलेगा. Asexual and sexual reproduction कौन सी होती है, इसके अलावा seed का structure क्या होता है और seed को कौन कौन सी ऐसी conditions हैं वो provide की जाएं तो वो एक न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो सकता है. तो स्टूडेंट्स, फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं वो ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि वैरायटी ऑफ हैबिटेट एंड एनवायरनमेंट में ग्रो कर सकते हैं. अगर इनके सीड को एक खास तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए तो ये एक न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं. स्टूडेंट, फ्लावर क्या है? फ्लावर जो है वो किसी भी प्लांट का एक वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसमें फ्यूचर में फर्टिलाइजेशन होनी होती है और सीड बनने होते हैं. इसके अलावा फ्लावर के जो पेटल्स होते हैं बहुत ज़्यादा कलरफुल होते हैं और इसमें से बहुत ज़्यादा खूबसूरत स्मेल जो है वो आती है, जिसकी वजह से हम ह्यूमंस के अलावा इंसेक्ट्स और जितने भी हमारे पास दूसरे जानवर होते हैं वो भी इनकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. ये जो अट्रैक्शन होती है ये इन्हीं फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए हेल्पफुल साबित होती है क्योंकि ये इनकी पॉलिनेशन में हेल्प करती है. क्योंकि जब भी कोई बर्ड या कोई इंसेक्ट इन फ्लावर्स के ऊपर आके बैठता है तो जो पोलन्स होते हैं वो इनकी बॉडी के साथ अटैच हो जाते हैं और फिर वो इंसेक्ट और बर्ड जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है या किसी और प्लांट के ऊपर जाता है तो वो उसके पोलन जो होते हैं एक फ्लावर के वो दूसरे फ्लावर्स तक ले जाता है. इस तरह से वो न्यू इंडिविजुअल जो होते हैं, न्यू प्लांट्स की जर्मिनेशन जो है वो वकू पजीर होती है. स्टूडेंट्स, फ्लावर जो होते हैं उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. आइए हम फ्लावर्स के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं. तो स्टूडेंट्स, फ्लावर्स के मेन जो फोर पार्ट्स हैं वो हैं सेपल्स, पेटल्स, स्टैमन एंड कार्पल. तो स्टूडेंट्स, सेपल जो होते हैं वो ग्रीन स्मॉल टाइनी लीव्स होते हैं जो कि एक फ्लावर की प्रोटेक्शन करते हैं जब वो एक बड फॉर्म में होता है. स्टूडेंट, पेटल्स जो होते हैं वो कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का जो कि डिफरेंट इंसेक्ट्स और बर्ड्स को जो है वो अट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं और इसमें हमें हेल्प कहाँ पे मिलती है प्लांट को कि वो पॉलिनेशन करता है बहुत इजीली. और मेजॉरिटी ऑफ जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो एनिमल्स के थ्रू ही अपनी पॉलिनेशन करते हैं. तो स्टूडेंट, जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आता है वो फ्लावर का, वो है स्टेमन जो कि एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. ये फ्लावर की थर्ड रो होती है और ये एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जो कि मुश्तमिल होता है एंथर और फिलामेंट में. तो स्टूडेंट, जो एंथर होता है इसमें पोलन ग्रेन्स मौजूद होते हैं और फिलामेंट ने इस एंथर को कैरी किया होता है. स्टूडेंट, जो नेक्स्ट पार्ट है वो है कार्पल जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का जो कि मुश्तमिल होता है एक स्टिग्मा, एक स्टाइल और एक ओवरी पर. और स्टिग्मा जो है वो हेल्प करता है किसी भी पोलन ग्रेन्स को अपने साथ अटैच करने में और ओवरी जो होता है उसमें ओव्यूल बनते हैं. तो स्टूडेंट्स, क्या आप लोग ये जानते हैं कि इस पूरी अर्थ पे अब तक जितने भी प्लांट डिस्कवर हो चुके हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्लांट है वो है टाइटन एरम जो कि 12 फुट लंबा और 3 फुट जो है वो चौड़ा है और जो तकरीबन 70 से 90 किलो का होता है. तो स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्मॉलेस्ट होते हैं और जो स्मॉलेस्ट प्लांट है हमारे इस अर्थ पर अभी तक जितने भी प्लांट्स हमने डिस्कवर कर लिए हैं वो है वोल्फिया ग्लोबोसा और उसको हम वाटर मील भी कहते हैं, जिसका फ्लावर जो होता है वो एक चावल के दाने के बराबर होता है. तो स्टूडेंट्स, आपके जो टीचर हैं उनके लिए एक एक्टिविटी है वो ये है कि आपकी क्लास में टीचर जो है एक फ्लावर लेके आएं और उसको डिसेक्ट करें मिड में से और आपको उनके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में जो है वो एक्सप्लेन करें इन क्लास में. स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आज के लेक्चर में आपने बहुत कुछ सीखा होगा. इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स को कवर करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.